नासरीन आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज चैनल में खैर मकदम है। दिलसुख नगर आरटीसी बस डिपो में भयानक आतिजदगी का वाकया आया पेश। इस वाकये में दो बसेस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। बतारीख 22 जनवरी बरोजे पीर की सुबह की अवलिन सातों में दिलसुख नगर आरटीसी बस डिपो में हादसाती तौर पर आग लगने से देखते ही देखते आग भयानक तौर पर भड़क उठी और इसके नतीजे में दो बसेस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। फौरी तौर पर चौकस आरटीसी अमले ने फायर हुकाम को इस बात की इतला दे दी। इतला के साथ ही फायर फाइटर के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इससे एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। हादसे में दो बसेस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए जबकि एक और बस को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है। फायरमैन ने चौकसी से काम किया और डिपो में मौजूद दिगर बसेस को आग लगने से फौरी तौर पर बचा लिया। आरटीसी के रीजनल मैनेजर वर प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि मुतालिका हुकाम आतिजदगी के हादसे की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज चैनल की यह खसूसी रिपोर्ट। विंटर उत्सव मेला रफीक भाई की जानिब से फिर से अवाम के लिए बेहतरीन मनोरंजन। एक्सक्लूसिव 180 डिग्री मरीन व्यू, 100 फीट अंडर वाटर फिश टनल और एक्वेरियम जिसमें आपको समंदर के गहराइयों में बसने वाली रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलेगी। और तो और 70 केजी की बड़ी अरापैमा फिश जो आपने कभी नहीं देखी होगी। बच्चे हो या बड़े, यहाँ मजा सबको आएगा। एक ही मुकाम पर शॉपिंग, अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट का भरपूर मजा ले। बच्चे और बड़ों के लिए एडवेंचरस और एंजॉयबल अम्यूजमेंट राइड्स। इस एग्जीबिशन की एक और खासियत, अंडर वाटर फिश टनल के लिए कोई टिकट नहीं होगी। 3 साल की उम्र तक के बच्चों को टिकट फ्री रहेगा, रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक। तो चले आए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। विंटर उत्सव मेला, जिमखाना ग्राउंड, सिकंदराबाद, हैदराबाद।